बेडिया फिल्म स्टूडियो हमेशा एल्बम्स फिल्म्स बनाते रहता है, और ये जो एल्बम है हिंदुस्तान के मशहूर सिंगर जावेद अली भाई ने ये गाना गाया है और इसकी म्यूज़िक अमजद नदीम ने दी है। हम सब एक फैमिली होकर काम करते हैं तो हमारी एल्बम भी बहुत जल्दी बन जाती है, हमारी फिल्म भी बहुत जल्दी बन जाती है, हमसे लोग जुड़ते हैं तो हमको कभी छोड़ते नहीं, और छोड़ देते हैं तो हम उनको पकड़ के ले आते हैं। हमारा सिर्फ यही व्यवहार, मेरे दोस्त मेरे छोटे भाई मुकेश भाई जो आज इंडस्ट्री में 25 साल से DOP हैं, जय भाई जो एडिटर फोटोग्राफर डायरेक्टर पर कोई प्रोफेशनल रिश्ता नहीं है पर जब मेरी शूट होती है तो आकर खड़े हो जाते हैं, मेरे छोटे भाई अभिषेक अवस्थी को आप इंडस्ट्री में सब जानते हैं, बहुत लंबा काम किया है, बहुत लंबा अरसा हुआ है, मेरे साथ में हैं महिमा जी महिमा गुप्ता जी, इन्होंने भी काम किया है पर, और ये मेरा छोटू है, मतलब ये तो लॉन्च ही हो रहा है समझिए इस एल्बम से, तो ये एक टीम वर्क है पूरा, और हम हमेशा टीम वर्क के साथ ही काम करते हैं। आप यकीन मानिए हम 8-8 घंटे के अंदर एक एल्बम वीडियो बनाकर ख़त्म कर देते हैं, और हमारे एडिटर साहब एक दिन के अंदर पूरा एडिट कर देते हैं। ये एक सैड सॉन्ग इसे कह सकते हैं जो जावेद अली साहब ने गाया है, और ये जब ये एल्बम जब हम सबसे पहले आप ही को दिखाएंगे, आप सब मेरे जो पत्रकार मित्र हैं, जब हम आपको दिखाएंगे तो आपको ये एल्बम की फील नहीं आएगी, इसमें आपको फिल्म के गाने की फील आएगी, यह एकदम तय बात है। और ये सेट सॉन्ग है और इन्होंने तीनों जन ने इसमें काम किया है और बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है, हमारे मुकेश भाई ने जय भाई एक मैं तो सिर्फ एक इनकी बैकबोन हूँ, बाकी ये सब मेरे हाथ दिल आँख ऐसे हैं सब। लाइक आजकल जिस तरह के म्यूजिक वीडियोस चल रहे हैं वेरी पैपी ट्रेंडी पार्टी नंबर, ये उनसे थोड़ा सा हटके है, स्टोरी मोड इसमें ज़्यादा है, रोमांस है, एक लव स्टोरी दिखाई है, एक लड़के और लड़की के बीच का जो विरह होती है कि जब दोनों में से एक नहीं होता है उसके बाद उसकी लाइफ कैसे उसकी याद में हो जाता है, इस तरह की चीज़ों का भी दर्शाया गया है। जावेद अली ने गाया है, गाना इतना ज्यादा अच्छा है कि सुनते ही हमारे मुंह से आई गेस महिमा के मुंह से भी सीधे लगा कि भाई ये गाना तो छोड़ने वाला नहीं बनता, और ऐसे गाने जल्दी नहीं बनते हैं। फिल्म का एक जो सॉन्ग होता है वैसा पूरी तरह से इसका फील है, एंड आप सभी सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो बहुत प्यारा लग रहा है और हमारा शूट भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। मैंने फर्स्ट डे जब सॉन्ग सुना था सो आई एम लाइक कि नहीं मुझे कैसे भी ये सॉन्ग करना है, एंड फर्स्ट डे हम भी थे अभिषेक भी थे तो हम दोनों ने साथ मिलके सॉन्ग सुना था, फिर सर से हमारी बात हुई और लाइक कैसे शूट करना है क्या करना है किस तरीके से करना है, सो आई एम सो ग्रेटफुल कि लाइक मैं ये सॉन्ग कर रही हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है, होपफुली कि सॉन्ग को बहुत प्यार मिले और बहुत अच्छा हिट हो। मेरा तो फर्स्ट टाइम है इन फ्रंट ऑफ कैमरा, बिकॉज मैंने पहले बिहाइंड द कैमरा बहुत काम किया है, लाइक मेरे डैड को असिस्ट भी किया है मैंने, बट ये मतलब अंकल के साथ फर्स्ट टाइम मिला मुझे, क्योंकि हमारे तो फैमिली रिलेशन है और वही चीज़ें मैं थोड़ा डाइसी था फर्स्ट टाइम, अंकल ने बोला कि तू करना है ये साथ में, बट फिर गाना सुना तो ऐसा था कि नहीं अब करना है ये सॉन्ग।